हेलो एवरीवन आज हम इलेवेंथ क्लास के लेसन नंबर टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज को डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सोसाइटी से पहले जरा सा इसका मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं मीनिंग अगर आपको याद हो टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज का अगर मीनिंग आपको याद हो तो कोपरेटिव सोसाइटीज हु आर गोइंग टू मेक इट दीज आर मेड बाई दो वेरी स्ट्रॉन्ग अगर इतना आपको याद है दट दीज आर मेड बाय पीपल हु आर नॉट फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग तो आप ये जितने भी हमारी टाइप्स हैं आईदर इट इज द प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग मार्केटिंग क्रेडिट और एक और है हमारे सिलेबस में दैट इज फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन सबका मीनिंग हम बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हमें ये एक सेंटेंस याद है ंग एक सेंटेंस से हम सबका मीनिंग करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स कम टू द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वो वाले पीपल हैं दीज आर दो पीपल ये वो लोग हैं जो कंज्यूमर्स हैं पर उनको चीजों को परचेज करने के लिए उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कम है इसका मतलब वो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं पर रीजनेबल प्राइस पर चाहते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन आएगा ये वो प्रोड्यूसर्स हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस तो कर रहे हैं पर उनको प्रोडक्शन में उनकी मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है ठीक है क्योंकि ये फाइनेंशियली रिच नहीं है सो दैट्स वाई इनके रिसोर्सेज कम हैं। है नेक्स्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी दीज आर मेड बाय दो पीपल्स बाय दोज पीपल हु नीड

राइट right? और दूसरा इसमें होती है मार्केटिंग अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे वी आर ओनली अबाउट द द मार्केटिंग प्रोड्यूसर्स हैज ऑलरेडी गुड्स नाउ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन मार्केटिंग द गुड्स राइट सो ये हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी एंड इन क्रेडिट यूनियंस और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज दीज आर मेड बाय पीपल हु गेट इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स ये उन लोगों के लिए है ये वो लोग बनाते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनको बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है वाई बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग तो अब हम यही पॉइंट थोड़ा डिटेल में देखेंगे फर्स्ट इज अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले हमें ये बताना है दैट हुई इज गोइंग टू मेक इट जो फाइनेंशियली स्ट्रॉग नहीं है लेकिन सिंस दे आर द कंज्यूमर्स तो वो चाहते के हैं दे वालिटी प्रोडक्ट दे वॉन्ट द क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस उन्हें अच्छी क्वालिटी भी चाहिए रीजनेबल प्राइस भी चाहिए तो अदरवाइज वो इस चीज को नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे सो नाउ दे दे आर आर कमिंग मेकिंग द कंज्यूमर सोसाइटी। और एक चीज आप हर कॉपरेटिव सोसाइटी में याद रखिए, उसका पर्पस हमेशा एक कॉमन रहेगा टू एलिमिनेट द मिडल मैन अगर कोई भी कॉपरेटिव सोसाइटी है दे आर गोइंग टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज उनकी कोई भी उनका बीच में मिडलमैन नहीं रहेगा कॉमन पर्पज कॉमन ऑब्जेक्टिव अब ये जो कंज्यूमर है ये क्या कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू एलिमिनेट द मिडलमैन सेकेंड दे वॉन्ट अ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड दैट क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट द रीजनेबल प्राइस ये तीनों आपके पर्पज हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे फर्स्ट एलिमिनेट द मिडलमैन सेकेंड क्वालिटी प्रोडक्ट

चाहे वो बहुत नॉमिनल होता है थ्री परसेंट हो फोर परसेंट हो टू परसेंट हो जो भी डिसाइडेड है राइट right? तो उस इंटरेस्ट को डिविडेंड भी कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द कैपिटल सम इंटरेस्ट इज गिवन सेकेंड इफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अर्निंग सम प्रॉफिट अदरवाइज उनका मेन मोटिव क्या होता है मेन मोटिव यू नो दैट इज द सर्विस मोटिव बट इफ दे आर अर्निंग प्रॉफिट देन आउट ऑफ द प्रॉफिट सम बोनस इज गिवन टू देम

सोसाइटी तो इस परचेज के हिसाब से हमने ये एक रेशो निकाल ली अब इस रेशो के हिसाब से द प्रोफिट विवाइडेड अमंग द मेंस तो दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफिट आपको कॉपरेटिव सोसाइटीज में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहले ये याद रखना है पर्पज वाई दे आर मेकिंग इट यहीं से यहाँ पे इसकी रेपिटेशन हो जाएगी ठीक है अब इसी तरह से आप हर कॉपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहले बताओगे हु इज गोइंग टू मेक इट एंड वट इज दर्पज ऑफ मेकिंग नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कोई टोल्ड यू दीज आर द प्रोड्यूसर्स एंड वाई दे आर मेकिंग अटिव सोसाइटी बिकॉज दे आर नॉट वेरी रिच दे आर द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स सो दट वाई दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी

फॉर एग्जाम्पल रॉ मेटीरियल टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है अब ये स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स है वन टेक्नोलॉजी कैन बी परचेज फॉर ऑल द प्रोडूसर्स उसको वो शेयर करके काम कर सकते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इंडिविजल थिंग्स तो इस तरह से दे आर हेल्पिंग द कॉपरेटिव सोसाइटीज आर हेल्पिंग टू द प्रोड्यूसर्स इन गेटिंग द रॉ मेटीरियल इन गेटिंग द टेक्नोलॉजी अब ये तो होगी एक प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना ठीक है क्या क्या उन्होंने प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व की फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू परचेज द रॉ मेटीरियल दे आर गोइंग टू गेट एनी इनपुट टेक्नोलॉजी अदर थिंग्स जो भी होने चाहिए प्रोडक्शन के लिए दे आर गोइंग टू अरेंज इट एट द रिजनेबल प्राइसेज क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कैसे रिजनेबल प्राइसेज पे अरेंज कर सकती है कॉपरेटिव सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल जब ये प्रोड्यूसर्स दे आर कमिंग टूगेदर एक कॉपरेटिव अगर एक ही सिंगल प्रोड्यूसर हो सिंगल प्रोड्यूसर होता उसको फाइव थाउजेंड यूनिट्स चाहिए रॉ मटेरियल के लेकिन अब यहाँ पे हमारे टेन प्रोड्यूसर्स इकट्ठे हो गए हैं राइट टेन में फाइव थाउजेंड चाहिए तो टोटल इसका मतलब अब हमें कितने यूनिट्स चाहिए रॉ मटेरियल के फिफ्टी थाउजेंड अब जब हम फाइव थाउजेंड परचेज करने जाए उसका रेट कुछ और होगा बट इफ दे आर गोइंग टू परचेज फिफ्टी थाउजेंड डेफिनेटली इट विल बी एट द रीजनेबल प्राइस तो यही कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है

राइट बिकॉज इन ऑल अदर एक्टिविटीज द कोऑपरेटिव हेल्प। अब अगर मैं आपको यहाँ साथ ही एक चीज़ और बता अगर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम, हम यहाँ पे प्रोडक्शन को अगर छोड़ दें सिर्फ एक फेवरेबल मार्केट की बात करें तो ये हो जाएगी हमारी मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी इसे बना कौन रहा है इट इज अगेन मेड बाय द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स लेकिन इनकी प्रॉब्लम प्रोडक्शन नहीं है नाउ

एक चीज फिर और याद रख लीजिए पर्पज में आपके लिए तो है ही ये सेम कॉमन पर्पज है दैट नो मिडल मैन विल बी देयर सेकंड इज फेवरेबल दे आर गोइंग टू अरेंज अ फेवरेबल मार्केट फेवरेबल मार्केट मींस द मार्केट फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग अ गुड प्राइस फॉर द प्रोडक्शन अब देखो जो हमें एक मार्केट में गुड्स को भेजने के लिए और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है वट आर द सर्विसेज दैट आर गोइंग टू हेल्प इन सेलिंग द गुड्स दिस इज ट्रांसपोर्टेशन उसिंग पैकेजिंग जो हमारी मार्केटिंग को ऑपरेटिव सोसाइटी है दिस विल ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन इन वेयर हाउसिंग एंड पैकेजिंग जब तक गुड्स मार्केट में पहुंचने जाती फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड अंटिल द डिमांड इज देयर द गुड्स विल बी केप्ड इन दियर हाउसेज फॉर सेलिंग द गुड्स दीज आर केप्ड इन द गुड्स आर पैक्ड प्रॉपरली सो दैट इट मे नॉट बी डिस्ट्रॉइड इट मे नॉट बी स्पॉइल्ड बाय द

लोन करने की कैपेबिलिटी होती है सो दैट्स वाई नाउ दे आर कमिंग टूगेदर दे आर मेकिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी दिस सोसाइटी दे विल गिव द लोन्स इजी लोन्स टू द मेंबर्स दे आर ऑल्सो प्रोमोटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग क्योंकि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप पढ़ चुके हो दैट टू बी द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दे हैव टू परचेज द शेयर चाहे वो वन शेयर परचेज करें या टेन 10 या हंड्रेड जितने मर्जी तो इस तरह से जब वो शेयर परचेज करेंगे तो कॉपरेटिव सोसाइटी के पास कुछ पैसा इकट्ठा होता है और उनकी भी सेविंग की हैबिट बढ़ती है जो मेंबर्स की है और इसी फंड से वो लोग अपने मेंबर्स को भी प्रोवाइड करते हैं राइट सो दे आर प्रोटेक्टिंग द मेंबर्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स बिकॉज अगर ये कॉपरेटिव सोसाइटी लोन नहीं प्रोवाइड कर रही है राइट और बैंक्स भी उनको लोन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे वेयर दे विल गो दे डेफिनेटली दे आर गोइंग टू द प्राइवेट मनी लेंडर्स और प्राइवेट मनी लैंडर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है जैसे आपको एक प्रैक्टिकल बात बताई जाए समाइम्स दे आर टेकिंग ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट इंटरेस्ट और वो भी पर ईयर नहीं होता है दैट इज मंथली इंटरेस्ट पर एन एम नहीं सो दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे आर प्रोटेक्टिंग देयर मेंबर्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लैंडर्स तो ये हमारा पर्पस हो गया सबसे पहले हु इज गोइंग टू मेक इट

फाइनेंस ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं फाइनेंस ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी इट कम्स फ्रॉम द द मेंबर्स इन फॉर्म ऑफ कैपिटल जो उन्होंने अपने किए उससे जो कैपिटल बनी वहां से आया. ठीक? उसके बाद जो हमारी types, अगर ये किसी विलेज में है देन इट इज नोन एज रूरल क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी

बट दे कैन नॉट अरेन्ज द हाउस देम सेल्व उनके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने हाउसेज को अरेन्ज कर सके आर एबल टू गेट इट दे आर एबल टू परचेज इट राइट सो दर कमिंग टूगेदर दे आर मेकिंग अटिव सोसाइटी नाउ दीज आर मेड बाय दीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन हाउसेज तो इनके लिए हाउसेज कौन बनाएगा द हाउसिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज आर गोइंग टू मेक द हाउस फॉर देम दे आर गोइंग टू परचेज द बिग प्लॉट उसके ऊपर वो हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उन हाउसेस को इजी टर्म्स पे इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपने में दे दिया जाएगा राइट right? अब उसके साथ साथ सिर्फ हाउसेज ही नहीं दे रहे हैं इनको वो अपने मेंबर्स को डेफिनेटली हाउसेज ऑफ नो यूज इफ दिविक अम्यूनिटीज आर नॉट अवेलेबल विद द हाउस सिविक अम्यूनिटीज आर ऑल्सो गिवन टू देम रोड्स पार्क स्ट्रीट लाइट्स एटसेट्राउंड राइट right? अब सिंस दीज आर दाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इनके दो काम हैं एक तो ये कि हो सकता है वो अपने आप फ्लैट या हाउसेस कंस्ट्रक्ट करें और अपने मेंबर्स को इजी टर्म्स पे प्रोवाइड कर दे साथ, साथ ये एक काम और करते हैं जो सेकंड इनका हेल्प होती है दैट इज दे कैन आल्सो प्रोवाइड द लूम्स टू परचेज द हाउसेज और ये जो लोन्स प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी ऑन द इजी टर्म्स और ये अपने मेंबर्स को ही प्रोवाइड करेंगे राइट सो इट इज द हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी दे आर मेकिंग द फ्लैट्स और हाउसेस एंड सेलिंग इट टू द मेंबर्स ऑन द इजी टर्म्स सेकेंडली इफ द मेंबर्स नीड सम लोन टू परचेज द हाउस दैट कैन ऑल्सो बी हेल्प बाय द हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन सेम फार्मिंग को सबसे पहले आप ये देख लीजिए फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं अब अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूं कि आप अपने आप लिख लीजिए हु इज गोइंग टू मेक इट इट इज मेड बाय आपको ये एक्सप्लेन करना है और सेकंड आपको एक्सप्लेन करना है इसका पर्पस क्या है तो आप इजीली एक्सप्लेन कर दोगे और ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इट इज मेड बाय द फार्मर्स कौन से फार्मर्स

राइट right? तो इसीलिए वो इकट्ठे हो गए सब दे मेड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखो आगे सब यही लिखा हुआ है इट इज मेड बाय द स्मॉल स्केल फार्मर्स हैविंग द स्मॉल पीस ऑफ लैंड राइट उसके बाद हम बात करते हैं पर्पस उनके पास बिकॉज स्मॉल पीस ऑफ लैंड है सो दैट्स उन वहां मशीनरी नहीं चल पा रही है बट सिंस दे केम टूगेदर तो एक बड़ा पीस ऑफ लैंड हो जाता है जहां पे उनकी मशीनरी काम कर पाएगी सिंस नाउ अब वो इकट्ठे हैं दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप दे कैन परचेज द सीज फर्टिलाइजर एट द रीजनेबल रेट और एक चीज और एड आपको करनी है यहाँ पे परपज आपको कहा था एक और हमेशा होगा एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन सिंस दे आर नाउ टूगेदर सो दे डोंट नीड एनी मिडल मैन वो अपने काम अपने आप कर लेंगे और किसी को भी बीच में प्रॉफिट मार्जिन नहीं देंगे सो नाव मैके का उनको फायदा मिलेगा फर्टिलाईजर ऑल द इनपुट्स जितने भी उनके इनपुट्स है प्रोडक्शन इज रेडी वंस द क्रॉप आर रेडी द फेवरेबल मार्केट विल ऑल्सो बी अरेज फॉर देम राइट सो एवरीथिंग दैट आर फार्मर नीड्स वो उन सबके लिए हेल्प की जाएगी ठीक है और साथ साथ जब वो इकट्ठे आ रहे हैं बट वेन दे आर इन अ ग्रुप उनकी सोशल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ती है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है राइट सोशल सिक्योरिटी इसका मतलब वो अकेले नहीं है दे आर एज अ ग्रुप तो वो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे दे कैन स्टैंड अगेंस्ट एनी कभी भी कुछ एडवर्स अगर आ जाता है तो वो एज अ ग्रुप खड़े हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनके जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं अब हमने उनको भी कंबाइन कर दिया है तो उनकी इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाती है सो दिस इज द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज स्पेशली रिक्वायर्ड इन इंडिया वाई बिकॉज हमारे यहाँ पे डिवीजन होता है सब डिवीजन होता रहता है लैंड का एक फादर थे उसके तीन बेटे हुए उसमें डिवाइड कर दी लैंड अब उन तीन बच्चों के आगे और तीन इंडिविजुअल हो गए सब डिवाइड हो गया उस लैंड का सो दैट्स वाई वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड इज देयर विद द फार्मर्स सो इन इंडिया द इन द कंट्री लाइक इंडिया द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल हमने अपने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कवर किया सबसे पहले हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेकंड में हमने प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को कवर किया और सेकंड पॉइंट में आपको बताया कि इस प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम है प्रोडक्शन एज वेल एज इन मार्केटिंग तो वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे बट इफ दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ओनली इन मार्केटिंग देन दे आर गोइंग टू मेक द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके बाद हमने हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किया फार्मिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज किया और एक और पॉइंट कवर किया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू